सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला कि जो आपको बैटरी स्टोरी में रियल टाइम का जो ऑप्शन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, तो वो सब चीज मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो अब हम चलते हैं अपने मॉल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों अब हम आ गए अपने मॉल के स्क्रीन पर, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रियल टाइम होते हैं हमारे दो, एक तो हमारा वीडियो का रियल टाइम होता है, एक हमारे चैनल का रियल टाइम होता है। तो उनका दोनों को यूज क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं मॉल के स्क्रीन पर। यहाँ पे अपने बैटरी स्टूडियो कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी बैटरी स्टूडियो कर लिया ओपन। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बीच वाले ऑप्शन में करना है क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया रियल टाइम है ना, तो इस पर हम कर लेते हैं क्लिक। तो ये तो हमारा चैनल का रियल टाइम है। रियल टाइम मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि 48 घंटे में किन किन वीडियो पे व्यूज आए, यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे 48 घंटे में मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 घंटे के अंदर मेरे 582 व्यू आए मेरे 48 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन वीडियो पे कितने कितने व्यू आए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब वाली वीडियो मेरे 99 व्यू आए, यहाँ पे 75 51 40 36 20 18 7 4 4 4। तो ऐसे मेरे यहाँ पे इन वीडियो पे व्यूज आए हैं, जो भी टोटल व्यू है ना वो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 48 घंटे के अंदर। जब मैं 60 मिनट पे क्लिक करता हूँ, 60 मिनट तो हमारे वो एक घंटा हो गया हमारा है ना, तो हमें एक घंटे के अंदर कितने मतलब 60 मिनट के अंदर हमारे वीडियो पर कितने व्यूज आए और कौन कौन सी वीडियो पर व्यूज आए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी 5 वीडियो पर व्यूज आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली वीडियो यहाँ पे यूट्यूब वाली मेरी वीडियो है, इस पे 2 व्यू आए हैं और फेसबुक वाली पे 2 व्यूज आए हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट नॉट स्टेबल की वो वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो उस पे भी 2 व्यू आए हैं। तो यहाँ पे मेरे नीचे 2 वीडियोज हैं, उस पर भी एक एक व्यू आए हैं। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं कितने कितने व्यू आ रहे हैं, 48 घंटे के अंदर कितने व्यू हैं और 60 मिनट के अंदर कितने व्यू आए हैं, वो चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा चैनल का रियल टाइम का ऑप्शन था। तो ये तो हो चुका हमारा कम्प्लीट। अब हम अपनी वीडियो का रियल टाइम का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे कर लिया क्लिक। अब क्लिक करने वाला यहाँ पे मैं कोई सी एक वीडियो पे कर लेता हूँ क्लिक। तो जैसे दोस्तों मैं इस वाली वीडियो पे कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने वाले यहाँ पे आपको वीडियो परफॉर्मेंस पे करना है क्लिक। और वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा रियल टाइम। यहाँ पे रियल टाइम पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सेम सेटिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ कि 48 घंटे के अंदर कितने व्यूज है। यहाँ पे देख सकते हैं 76 व्यू आए 48 घंटे के अंदर और 60 मिनट के अंदर मेरा एक व्यूज आया है। यहाँ पे मैं 48 घंटे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह से व्यू आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड वीडियो, मतलब कि यूट्यूब में वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से मेरे 42 व्यू आए हैं। और यहाँ पे देखते हैं ब्राउजर फीचर। ब्राउजर फीचर हमारा वो होता है जैसे कि हम अपने यूट्यूब के होम पर आते हैं तो नीचे वो ऐसा करके स्क्रॉल करते आते हैं, वो हमारा होता है ब्राउजर फीचर। तो वहाँ से मेरे 16 व्यू आए हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं यूट्यूब सर्च से मेरे 12 व्यू आए हैं। अदर यूट्यूब फीचर्स, वहाँ से मेरे 5 व्यू आए हैं। और डायरेक्ट अननोन, यहाँ से मेरे 1 व्यू आया। डायरेक्ट अननोन का मतलब होता है कि किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल सर्च करा, सर्च करने वाले उसने मेरी वीडियो पे क्लिक करा, तो वो होता है डायरेक्ट अननोन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप 60 मिनट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जब मेरा 1 व्यू आया 60 मिनट के अंदर, तो भी आया सजेस्ट वीडियो से। तो ऐसा आप अपनी वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप हमारे 60 मिनट में कितने व्यूज आए हैं और 48 घंटे के अंदर कितने व्यूज आए हैं। यहाँ से हमको ये चीज पता पड़ जाती है, अपने चैनल की भी पता पड़ जाती है, अपनी वीडियो की भी पता पड़ जाती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके सामने 2 वीडियो दे रही हूं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और अपने चैनल में व्यू कैसे बढ़ाएं। तो आप इन दोनों वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।